हेलो दोस्तों, आज हम ये कॉइन पाउच बनाएंगे। जिपर वाला कॉइन पाउच है, इसमें आप अपनी की भी लगा सकते हैं और कॉइन डाल सकते हैं, अपनी बीच में नोट भी डाल सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाना इसको, तो आज हम ये बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में इसका मटेरियल वगैरह समझा देती हूँ कि कैसे कैसे लेना है। वो लीजिए आप और रेडी रहिए। ठीक है, ये मटेरियल है, मेन फैब्रिक ये हमारी हैंडल बनेगा। पहले तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप पीस देख लीजिए। मेन फैब्रिक है ये, फ्यूजिंग पेपर है जो चिपकता है फैब्रिक के साथ। ये लाइनिंग का पीस है, लाइनिंग का पीस हमें दो चाहिए, एक तो इसके साथ क्विल्ट कर लेंगे और एक एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसको प्रेस के साथ चिपका लेती हूँ पहले, उसके बाद देन इसको क्विल्ट करूँगी। मैं क्विल्ट करती हूँ, आप चारों तरफ से सिलाई लगा के भी कर सकते हैं, पर मुझे क्विल्ट करना अच्छा लगता है, क्विल्ट करके अच्छा लगता है, मैं क्विल्ट कर लूँगी। ठीक है, मैं क्विल्ट कर लेती हूँ इसको। बेशक इसमें मैंने फ्यूज़ पेपर डाला, फिर भी क्विल्ट कर रही हूँ मैं। ये मैंने क्विल्ट कर लिया है इसको। अब मैं आपको इसका एग्जैक्टली मेज़रमेंट बताती हूँ। ठीक है, वैसे ही आप रेडी रहिए मेज़रमेंट लेके। ठीक है, इसका मेज़रमेंट है 12 इंचेस लेंथ है और विड्थ इसकी है 6.5 इंचेस। ठीक है, ऐसे ही आप इसको लीजिए। ये मैंने देखो लाइनिंग का पीस है, फिर फ्यूजिंग पेपर है और मेन फैब्रिक है, इसको लेके मैंने क्विल्ट कर रखा था। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लेना था लाइनिंग का, सेम मेज़रमेंट का हम एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। और ये हमारा हैंडल बनेगा, इसकी लेंथ बता देती हूँ। इसकी लेंथ है 10 बाय 10 बाय 3 की है। ठीक है, 10 बाय 3 की है, इसका हम हैंडल बनाएंगे। और एक ज़िप चाहिए, बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए, ज़िपर और रनर चाहिए। ज़िप हमें इसकी जो विड्थ है उसके हिसाब से चाहिए, 6.5 इंचेस। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ जो बाद में मैं कट कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कैसे ही हमने स्टिच करना है और कैसे इसका ड्राफ्ट वगैरह रेडी करना है, ये आप देखिए। इसको, इसका जो ऊपर का भाग है उसको हम गोलाई में काटेंगे, वो मैं उसकी ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ। आप भी देखिए कैसे कर रही हूँ, एग्जैक्टली आपने भी ऐसे करना है। सीधा भी रखा जा सकता है पर गुलाई से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये मैं इसको मैकिंग करके इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, इसको कट कर लेंगे हम, और बहुत जल्दी बनने वाला है। और ये ऐसा है जो कीरिंग साथ रख के, आप एक्टिवा वगैरह चलाते हो तो अपना साथ में ले जा सकते हो इसको। ये मैंने गुलाई में कट कर लिया है, ये ऐसे आएगा देखिए। ठीक है, देखो ऐसे आएगा ये। अब पहले हमें इसको इस पे ज़िप लगानी है बैक साइड पे। ठीक है, कितने इंचेस पे हमने कट करना है ज़िप के लिए, ये है हमारा 4 इंचेस पे। 4 इंचेस पे हम स्ट्रेट लाइन पहले लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको कट करेंगे और अपनी ज़िप लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप स्ट्रेट मार्किंग कर लीजिए स्केल के साथ तो थोड़ा ठीक रहता है, अदरवाइज़ कटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये कट कर लूँगी और इसके ऊपर मैं ज़िप लगा लूँगी। ठीक है, ये कट कर लिया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जिनको बैग बनाने का शौक़ है उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये ज़िप लगा लूँ मैं, ज़िप लगाना मैं हर बार बताती हूँ। इसमें भी देखिए, ज़िप लगा के हम इसको टॉप स्टिच भी लगाना ज़रूरी है जिससे वो अच्छा रहता है। ठीक है, आप इसको टॉप स्टिच लगा लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने अंदर की तरफ से लगा रही हूँ, बाहर से टॉप स्टिच आ जाएगा ये। ठीक है, ये एक पार्ट मैंने ज़िप का जॉइंट किया है, अब मैं दूसरा भी कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा इक्वल रख के देखिएगा नीचे वाले पार्ट के साथ, ताकि इक्वल रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ये ज़िप हमने लगा ली है, रनर भी हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। अब रनर इंसर्ट करके नेक्स्ट बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा रनर लग गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा ज़िप हम कटिंग कर देंगे, जो कपड़ा ऊपर नीचे होगा वो भी हम कट कर लेंगे। ठीक है, अब पहले मैं हैंडल रेडी कर लूँ। हैंडल आप पतला मोटा जैसे भी आप चाहो वैसे कर सकते हो, मैंने मीडियम साइज़ का ही रखा है, आप अपना देख लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। ये मेरा हैंडल रेडी हो जाएगा और बहुत जल्दी बनने वाला बैग है ये, आप बना सकते हैं। अब ये मैंने कहाँ पे लगाना है वो थोड़ा सा मार्किंग हम देख लेंगे और वहाँ पे हम लगाएंगे। ऊपर से हमारा ये आएगा, वो
अप्रॉक्सीमेटली 3 इंचेस, क्योंकि 4 इंच पे तो हमने जिप लगाई है, तो 3 इंचेस डाउन करके हम एक मार्किंग करके वहाँ हम इस पर हैंडल लगा लेंगे। हैंडल का लगाने का क्या तरीका है ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। बहुत ही ईजी है ये और बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत जल्दी ही आप बना लोगे। अब तक तो इतनी प्रैक्टिस आपको हो ही चुकी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं पहले इसका सेंटर मार्किंग कर लेंगे। सेंटर मार्किंग करके अच्छे से धागे वागे जो भी होते हैं उसको अच्छे से फिनिश साथ साथ करते जाइएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सेंटर मार्क करके उस हिसाब से हम अपना हैंडल दोनों तरफ इक्वल लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आप कर लीजिएगा। ठीक है, बस ऐसे करके हमने एक स्टिच लगा देना है और उसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच मैंने कैसे लगाया है ये मैं आपको अभी नेक्स्ट बता रही हूँ, पहले आप ये स्टिच कर लीजिए। अब ऐसे फोल्ड करके हम एक स्टिच चला देंगे एक आधे सेंटीमीटर पे और हमारा जो हैंडल है ये साथ ही अच्छे से हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा, ये देखिए हैंडल बहुत अच्छे से फिक्स हो गया। ये देखिए अब ऐसे, ये देखिए ऐसे आएगा हमारा बैग, पीछे जिप लग गई है, आगे हम टिच बटन लगाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो लाइनिंग वाला पीस है वो हमने इसके ऊपर, अब जो भी इसके बाद हमने करना है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा वैसे मैंने पहले वाले बैग में भी बताया लेकिन अब भी बता दूँगी। थोड़ा देखिए अब इसको अच्छे से, पहले जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, बाकी स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा इस साइड से, थोड़ा सा दूसरी साइड से और बीच वाला हम ओपन रखेंगे ताकि हम इसको पलट सकें सिलने के बाद। ठीक है, देखिए मैंने स्टिच कर लिया अब इसको, और अब इसको मैं कैसे इसको फोल्ड करना हमने ये आपने देखना है। ये देखिए होल हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब ऐसे जैसे ही वीडियो में बताती जा रही हूँ वैसे ही अपने कॉपी कैट बन जाना और कॉपी करते रहना इसको। ठीक है, अब अच्छे से इसको पिनअप कर लीजिए ताकि हिले ना, हमने सिलाई बाद में करनी है इसलिए पिन लगानी पहले ज़रूरी है। और हम अब इसको कैसे फोल्ड करना है ये आपने देखना है। बीच में से पकड़ के जो जॉइंट है उसको जहाँ हमने जिप लगाई है उससे ऊपर, उसके ऊपर जाके हमने इसको फोल्ड करके फिक्स कर देना है। पिन है पिन से कर लो, चाहे आपके पास क्लिप है क्लिप से कर लो। मार्किंग जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में वैसे ही आपने इसको फोल्ड कर लेना है, लाइनिंग और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको। ठीक है, जैसे वीडियो में बता रही दोनों तरफ से ऐसे कर लेना, जहाँ हमारी जिप लगी उससे थोड़ा सा ऊपर करना है। ठीक है, देखिए वीडियो में जैसे मैं बताई जा रही हूँ वैसे हम अपने क्लिप कर लेना है अच्छे से। थोड़ा सा ये जो हैंडल है ये अड़ रहा हो तो इसको जिप से बाहर की तरफ से निकाल लीजिए, बाद में जब हम फोल्ड करेंगे इसको सीधा करेंगे तो ये निकल आएगी, हैंडल निकल आएगा। ये दोनों तरफ से अच्छे से करके अब हमने साइडों से स्टिच कर देना है। ठीक है, जैसे मार्किंग करके बता रही हूँ वैसे वैसे हमने स्टिच कर लेना है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैं अब आपको स्टिच करके बताती हूँ। ये मैंने स्टिच कर लिया है, अब अच्छे से हम इसको पहले फिनिश करेंगे, कटिंग करेंगे अच्छे से इसकी, चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम इसको काट देंगे। लाइनिंग की इसीलिए कटिंग नहीं करी थी मैंने पहले, बाद में आराम से हो जाती है। ये हमारा जो एक्स्ट्रा है हमारा कट कर देंगे हम इसको, और जहाँ हमने गुलाई दी थी वहाँ पे हमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने पड़ते हैं। ये देखिए जैसे लगा रही हूँ फोल्ड करने में हमें आसानी रहती है। ठीक है, ये मैं अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ इसको। अब जहाँ से हमने होल हमने छोड़ा था वहाँ से हम इसको पलट देंगे, पलट के हम सीधा कर लेंगे इसको। ये सीधा कर लिया हमने, अब यहाँ पे हमने एक टिच बटन लगाना है। ठीक है, और टॉप स्टिच लगानी है, बस ये दो काम रह गए हमारे, हो जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर टिच बटन लगा लिया, ये देखिए, और टॉप स्टिच भी लगा लिया। वीडियो थोड़ा फास्ट करने के लिए मैंने दिखाया नहीं आपको, मैंने कर दिया था काम जिस मशीन पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो गया। पीछे हमारी जिप है, देखिए इसमें आप कॉइन डालिए, अपना कैश डालिए। ठीक है, कॉइन डाल सकते हैं। ये हमारा हो गया है रेडी, कॉइन पाउच बिल्कुल रेडी है, हैंडल भी है और पकड़िए अब मार्केट जाइए। ठीक है, कहीं बड़ा पर्स नहीं लेके जाना तो इसको पकड़ के ले जा सकते हैं आप। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट डालने हो डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर।